फुलहरा में दरभंगा समस्तीपुर जिले के सीमा पर सघन रूप से वाहन जांच किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के फुलहरा पंचायत स्थित फुलहरा में दरभंगा जिले को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग SH-88 पर प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी की अध्यक्षता में सिंघिया थाने के पुलिस पदाधिकारी उपेंद्र कुमार ने सघन रूप से छोटे बड़े सभी तरह के वाहन, टेम्पो, मैजिक, मोटरसाइकिल, बस में सवार यात्री, माल ढोने वाली गाड़ी, पिकअप ट्रक का जांच बड़े ही बारीकी से किए हैं। मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट ने बताया कि जांच पड़ताल में अभी तक किसी प्रकार का आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। इस सड़क मार्ग पर समस्तीपुर और दरभंगा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण बहुत गाड़ियों का परिचालन देखने को मिल रहा है। वहीं उपस्थित मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस जगह पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण कुछ और कर्मी की प्रतिनियुक्ति होने से कार्य करने में सहूलियत मिलेगी। धक्को मार देते हैं जना ऐसा अथी करे। और यहाँ फुलहरा में जो है सो वाहन चेक इन कर रहे हैं चुनाव को लेके। क्या सब सामान मिला आपत्तिजनक सामान, क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ तो अभी कुछ तो नहीं मिला है। जिसका शक होता है उसको रोक के पूरा गहनता से जांच किया जाए। सिर्फ बाइक की जांच की जाती है या सभी की? बड़े गाड़ी की, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब। पुलिस पदाधिकारी आपके साथ रहते हैं? हाँ रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार।
कौन सा चेक पोस्ट है? फुलहरा चेक पोस्ट। पुलिस पदाधिकारी कौन है आपके साथ? यहाँ पे प्रेजेंट है उपेंद्र जी। कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है? नहीं अभी तो नहीं मिला। नहीं मिला, कुछ कमी भी महसूस हो रहा है चेक पोस्ट पर? यहाँ पे और सहायक रहता है, बढ़िया रहता। कुछ और अधिकारी चाहिए? अभी अधिकारी निरीक्षण के लिए आते वगैरह हैं? हाँ आते हैं, कभी कभी आते हैं।